नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज आपको बताएंगे सुबह बोलेगा मैं कि अयोध्या नगर निगम के अधिकारी की एक ट्रेडर्स पर मेहरबानी हुई है। इस मेहरबानी से अधिकारी की खुद की जेब तो भर रही है और साथ ही नगर निगम के कुमार ट्रेडर्स की जेब भर रही है। अयोध्या नगर निगम में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। नगर निगम में एक्स इन पीके सिंह का बड़ा काला कारनामा आपको दिखाएंगे, जहां पर दरअसल कुमार ट्रेडर्स और कुमार कंस्ट्रक्शन को एक्स ईएन ने ज्यादा टेंडर दे दिए हैं। कुमार की अलग अलग फर्मों को पर्सनल ग्राउंड पर लाभ पहुंचाया गया है और साथ ही नगर निगम में सिस्टम के तहत बाकी फर्मों को दरकिनार करके कुमार ट्रेडर्स और कुमार कंस्ट्रक्शन को लाभ पहुंचाया गया है। कुल मिलाकर मामले में अपनों को फायदा पहुंचाकर अधिकारी ने लाखों रुपए के वारे न्योरे किए हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति को ठेंगा दिखाया है। अयोध्या नगर निगम में आधे बांट रहे रेवड़ी। अयोध्या नगर निगम में एक्सएनपी के सिंह का काला कारनामा। कुमार ट्रेडर्स और कुमार कंस्ट्रक्शन को दे डाले ज्यादातर टेंडर। कुमार की अलग अलग फर्मों को पर्सनल ग्राउंड पर पहुंचाया फायदा। कुमार ट्रेडर्स पर अयोध्या नगर निगम का उपकार। सिस्टम के तहत बाकी फर्मों को किया दरकिनार। कुमार ट्रेडर्स और कुमार कंस्ट्रक्शन के लिए बदल डाले नियम। जीरो टॉलरेंस की नीति के बावजूद ये क्या हो रहा? अयोध्या नगर निगम में हो रहा बड़ा खेल। घोटालेबाज निकाल रहे कमाई के नए नए रास्ते। अपनों को फायदा पहुंचाकर कर रहे लाखों के वारे न्यारे। अयोध्या नगर निगम में जीरो टॉलरेंस की नीति को दिखाया जा रहा ठेंगा। तो आपने रिपोर्ट देखी। हमारे साथ एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो में है, राघवेंद्र सिंह। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में जी। नमस्कार। और हमारे साथ नेशनल पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं प्रदीप विश्वकर्मा। सर आपका भी स्वागत है। सर मेरा सवाल आपसे रहेगा पहला कि आपने रिपोर्ट देखी जी, किस तरीके से नगर निगम में घोटाला किया गया है, अयोध्या निगम का ये गड़बड़ झाला आपको हमने दिखाया, और वही इस पर आपकी क्या सफाई रहेगी? देखिए, हमारी सरकार जो है मुख्य रूप से भ्रष्टाचार और अराजकता दो विषयों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। उसमें हमें काफी सफलता भी प्राप्त हो रही है। अपवाद हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं कि अधिकारी या कोई भी संबंधित लोग बाज नहीं आते हैं। अभी हाल में ही कुछ पुलिस विभाग के जबरन हमको उनको निलंबन करना पड़ा था, कुछ आईपीएस अधिकारियों की बर्खास्तगी भी करनी पड़ी थी। तो ये समझिए, भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। अगर अयोध्या वाले मामले में जांच चल रही है, जांच होगी, अगर इसमें एक्सएन किसी भी तरीके से भ्रष्ट या किसी उन्होंने लगेगा किसी ट्रेडर्स को उन्होंने लाभ पहुंचाने के नीति से काम किया है और कानून या जो संविधान के दायरे से हट के कोई ऐसा काम किया है जिससे किसी फर्म को लाभ पहुंचे, तो निश्चित रूप से ये मानिए वो जेल के शिक्षों के पीछे होंगे, उनकी नौकरी भी जाएगी और जो उन्होंने जो नंबर दो का धन कमाया वो भी वापस लिया जाएगा जी। प्रदीप जी, आपने सुना क्या कहा बीजेपी प्रवक्ता ने, और क्या कुछ कहना है आपका, क्योंकि एक बड़ा घोटाला सामने आया है और पर्सनली लोगों को इसका टेंडर दिया गया, बाकी लोगों को दरकिनार कर दिया गया, क्यों? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार लोग हैं और मुख्यमंत्री योगी कोशिश कर रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार हो, भ्रष्टाचार पर उनका जीरो टॉलरेंस का अपना रुख है और लगातार वो अधिकारियों को सस्पेंड भी कर रहे हैं, तमाम बड़े अधिकारियों को निलंबित भी किया है, कार्रवाई भी किया है, जबरन रिटायर भी किए गए हैं, लेकिन इन अधिकारियों की इतनी मोटी खाल हो गई है कि ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं।
कैसे एक ही फर्म को इतने सारे ठेके दे दिए जाते हैं और पूरी बंदरबाट की उसमें दिखाई दे रही है। सिंह पीके सिंह क्या कि उनको पता नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री को पता चलेगा तो कितनी बड़ी कार्रवाई उन पर हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जब के न्यूज इस खबर को चला रहा है, पिछले हफ्ते भी खबर को दिखाया हमने, लेकिन अभी तक उस पर कोई ना तो संज्ञान लिया गया ना इन पर कोई कार्रवाई की गई, क्या इससे ये माना जाए कि अधिकारियों की खाल अब गेंडे जैसी हो गई है, मोटी हो गई है? मुझे कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि उनको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो सस्पेंड हो, चाहे वो टर्मिनेट हो या कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी मनमानी से बाज नहीं आते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर कब होंगे पीके सिंह रिटायर सस्पेंड, कब होगी उनके ऊपर कार्रवाई, क्या उनसे वसूली की जाएगी? मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और लगातार इसको अंजाम भी दे रहे हैं, लेकिन क्या वो अब इसको संज्ञान लेकर के कार्रवाई कोई करेंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल प्रदीप जी, काफी बड़ा सवाल है ये, क्योंकि ऐसे लोगों के पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती है, ये लोग अपना रास्ता खुद निकाल लेते हैं। राघवेंद्र जी, मैं आपसे पूछूंगी कि जिस तरीके से ये जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि केन्यू से खबर दिखाई है तो शायद ये आपके संज्ञान में आ गई है ये बात, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निजी टेंडर्स को इतना बड़ा फायदा क्यों पहुंचा रहे हैं, बाकी तरकरार क्यों किया गया है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को अगर हम सख्त की नजर से देखते हैं तो हमें नहीं लगता ये उचित होगा। हमारी योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मुख्य रूप से अराजकता और भ्रष्टाचार में बार बार शब्द ले रहा हूं, इस विषय को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कई से आयाम कायम किए हैं। आज तक इतिहास में कोई भी IPS अधिकारी ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार को लेते हुए बर्खास्त हुआ है। हमारी सरकार में IPS अधिकारी बर्खास्त हुए हैं, पुलिस विभाग के सैकड़ों अधिकारी जबरन रिटायरमेंट दिया जा रहा है। तो ये मानिए निश्चित रूप से इस विषय की जांच चल रही है, जांच होगी और उसके बाद इन पे FIR होगी और इनसे जेल जाने के बाद इनसे पैसे की वसूली भी पाई की वसूली होगी। मैं आज ये आपके के न्यूज चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता और आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, निश्चित रूप से तो बड़ी कार्रवाई होगी और ये निश्चित, मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, इस लिहाज से भी आपसे इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये मानिए निश्चित रूप से जेल अगर ये भ्रष्ट साबित हुए तो ये निश्चित रूप से जेलों के सीखे के पीछे जाएंगे। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, मेरठ से हैं उमेश जैन। उमेश जी, अपनी राय रखिए इस खबर पर। नमस्ते बेटा जी, मैं ये कहना चाह रहा था जो ये भ्रष्टाचार का मामला है इसमें सरकार की मॉनिटरिंग और बिल्कुल नहीं हो रही है, और हाँ जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये भ्रष्टाचार का मामला है, जो घोटाले हो रहे हैं नगर निगमों में और जगह जगह, उसमें सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, जिससे जो है सरकार का पैसा लूट रहा है और अधिकारी मान नहीं रहे हैं, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है और सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की बात करती है पर कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। जी राघवेंद्र जी, क्या कहेंगे इस पर, आप बताएं? नहीं देखिए, मैं अपनी बात को पुनः दोहराऊंगा, वास्तविकता तो ये है इससे पहले की सरकार में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में जिस प्रकार से बंदर बांट हुआ करता था, उत्तर प्रदेश की जनता और आप सभी लोग जानते हैं। कार्रवाई होने की बात छोड़िए, हमारी जो सरकार के जो पदाधिकारी जो मंत्री होते थे या बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग होते थे उनमें विशेष रूप से बंदर बात होता था, लेकिन हमारी सरकार उसमें लगाम लगाए हुए है और जीरो टॉलरेंस नीति के लगभग 50% दायरे में हम पहुंच चुके हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत निश्चित आगे आने वाले साल में 2.5 साल अभी मेरे बचे हुए हैं कि भ्रष्टाचार और अराजकता दो विषयों पर हम इस नीति तक जीरो टॉलरेंस नीति तक हम पहुंच जाएंगे और जो शून्य अंक जो है उसकी हमारी उपलब्धता निश्चित रूप से आगे आने वाले 2.5 वर्षों में हो जाएगी। प्रदीप, इतना बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। राघवेंद्र जी, एक सवाल है आपसे। सवाल ये है, पिछले हफ्ते से एक खबर चल रही है, लगातार हम लोग खबर को दिखा रहे हैं, लेकिन ना तो शासन में ध्यान दिया गया ना ही प्रशासन में ध्यान दिया गया, और अयोध्या का ये जो मामला है वहां भी सबके संज्ञान में है, लेकिन इस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? निश्चित रूप से प्रदीप जी, मैं आपको रुकना चाहूंगी यहाँ पर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आजमगढ़ से हैं आलम। आलम जी, राय रखिए अपनी। हाँ, ऋचा सिंह आजाद जी, हमारी राय ये है कि
देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अभी हापुड़ और ये नोएडा वाला मामला जो है, आज जाकर के एक हफ्ता के बाद एक गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, आज भी जैसे पहले की सरकारों में पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए थाने में जाकर के 1200 रुपया देना पड़ता था, 1500 रुपया लगता है। मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, वहाँ आप लोग आइए अगर देखना चाहते हैं एक पासपोर्ट की इंक्वायरी। शुक्रिया आपका जी, अपना जवाब दी। देखिए निश्चित रूप से ये मानिए हमारी सरकार जो है बहुत ही संजीदा है इन विषयों को लेते हुए। मुझे याद है ये बात कहनी नहीं चाहिए, एक घटना हुई थी आज हम आपके नोएडा में, जिसमें बच्चों का कत्ल करके बच्चों के बाद में उसमें मुकदमा भी कायम हुआ था, और उसमें अरुण कोहली या कोई इस प्रकार बात, ये लगभग 20 वर्षों पहले की है, निठारी कांड। हाँ निठारी कांड में उसमें हमारे समाजवादी पार्टी की उस समय सरकार थी, उस समय एक जिम्मेदार मंत्री जो मुख्यमंत्री जी के भाई थे उनसे राय ली गई थी, बताइए ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में बहुत विभत्स घटना थी, सैकड़ों बच्चों की हत्याएं कर दी गई थी और उनके मांस भक्षण का कार्य लोग करते थे। तो उसमें हमारे जो हैं मुख्यमंत्री जी के भाई उसमें मंत्री थे, और उन्होंने गाजियाबाद में ही बयान दिया था कि ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। मुकदमा कायम करने की तो बात छोड़िए, ये एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के भाई का बयान था। आज हमारी सरकार जो है जी नहीं वो ठीक है ये नहीं हमारी सर, मेरी पूरी बात होने दीजिए प्रदीप जी, राघवेंद्र जी रुकिए, आपके मुख्यमंत्री सुन लीजिए, सवाल सुनिए जी, जी। हमारे साथ एक पीके सिंह जुड़ चुके हैं, एक्सीएन है। सर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, आप एक्सक्यूटिव इंजीनियर है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? और ये आपके नेतृत्व में ही हुआ है, ये कहाँ का घोटाला, ये विषय मुझसे संबंधित नहीं है। हुआ है। अरे सर आपने पूरा टेंडर आपने सिर्फ 2 लोगों को दे दिया, क्यों दिया, बाकी लोगों को दरकिनार क्यों किया गया? कहाँ का 2 टेंडर दे दिया हमने? हेलो जी, किस विषय पे बात करना चाह रही हैं आप? हेलो जी सर, सर कुमार ट्रेडर्स और कुमार कंस्ट्रक्शन को आपने पूरा टेंडर दिया है, बाकी को दरकिनार क्यों किया गया है? कहाँ पर दरकिनार कर दिया गया? सर मैं अयोध्या की बात कर रही हूँ, अयोध्या नगर निगम की बात कर रही हूँ मैं जी। अयोध्या नगर निगम में टेंडर निकला था, उसमें जिस जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, जिन जिन लोगों ने भाग लिया है और तकनीकी अर्हता पूरी की गई है, उनकी बिडे खोलकर उनको टेंडर दिया गया। अरे सर आपने सिर्फ 2 लोगों को दिया है, कुमार ट्रेडर्स को दिया है, कुमार कंस्ट्रक्शन को दिया है? जी नहीं, यह जानकारी अधूरी है, उसमें और भी लगभग 16-18 फर्म है, उनको भी काम मिला है। एक संजय कंस्ट्रक्शन है उसको काम मिला, एक मिसेस सर सर अरे सर नगर निगम ने जो लेटर दिया है क्या ये भी झूठा है? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देखे के न्यूज खोल के? नहीं मैं साइट पर हूँ फिलहाल, मैं एक वर्क कुमार ट्रेडर्स के नाम से, कुमार कंस्ट्रक्शन के नाम से है। आप केवल 2 फर्मों की नाम आप बार बार ले रहे हैं, मेरे पास ऐसी 16 से 18 फर्में हैं जो काम कर रही हैं, जिन्होंने तकनीकी अर्हता पूरा किया। अच्छा ठीक है, ओके ओके, आप उसमें से 5 फर्मों के नाम बता दीजिए हमें। हम फर्मों के नाम बता रहे हैं, आप नोट करिए प्लीज। हाँ ठीक है बताइए। मिसेस विद्या सिंह कंस्ट्रक्शन, मिसेस अजीत सिंह कंस्ट्रक्शन जी, मिसेस संजय कंस्ट्रक्शन, मिसेस प्रताप एसोसिएट जी, मिसेस एक मिनट होल्ड करिएगा, मिसेस प्रताप हाइट्स हो गया, मिसेस एक और एक नाम है, मिसेस सुनील कुमार सिंह एसोसिएट जी, इतनी फर्में और इसके अलावा 3-4 फर्में जो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, क्योंकि कामों की संख्या लगभग 40-42 है। अरे सर जो नगर निगम से लेटर जारी हुआ है उसमें तो सिर्फ कुमार ट्रेडर्स और कुमार कंस्ट्रक्शन का नाम क्यों आया है सामने, बाकी नाम क्यों नहीं आए? आपने आधे ही लेटर लिए होंगे, पूरे लेटर नहीं लिए? अरे सर लेटर जारी हुए हैं, कह तो रहे बाकी को भी जारी हुए हैं, वो लेटर पता नहीं क्यों नहीं लिए किसी आदमी ने, उनको भी जारी हुए, बाकी अरे सर फर्मों के नाम से पूरा टेंडर दिया गया है, अलग अलग फर्म बना के टेंडर दिया गया है। आप अगर हमारी बात नहीं सुन रही है तो फिर हमको क्यों मिला रखा? अगर आपको खाली अपनी बात कहनी है तो हमसे बात करने का कोई मतलब नहीं, हमारे पास 16 से 18 फर्म काम कर रहे हैं। अरे सर जो नाम आप सर सुनिए सर, आपने जो नाम बताए हैं इसके पीछे तो इन लोगों के ही तो नाम है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, कुमार के नाम से पता नहीं कितने टेंडर बना रखे हैं, उन्हीं को आपने टेंडर दे दिए? ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा है, क्यों नहीं है? बना नगर निगम ने क्यों जारी नहीं किए सारे टेंडर जो भी जारी हुए हैं वो कुमार के नाम से जारी हुए हैं?
देखिए जवाब देने से बच रहे हैं आप, चले गए फोन काट कर। तो राघवेंद्र जी, जिस तरीके से आपने सुना जी, क्या कहा? अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आजमगढ़ से कॉलर जुड़े हैं, अपनी राय रखे। हेलो जी, राय रखे अपनी। आमिर, आमिर बोल रहा हूँ। जी जी जी, कानून व्यवस्था हमारे और जो घोटाले की बातें आप कर रही हैं, मेरा सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल है कि गौरव जी की हत्या हुई नोएडा में और बड़ी मुश्किल से, अभी एक सवाल जो आया था, इन्होंने दूसरी सरकारों पे टाल। जी बिल्कुल सर, ये आज ये वाला मुद्दा नहीं है, आपने शायद हमारा मुद्दा नहीं देखा अभी पूरी अच्छे से के न्यूज को। देखा फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और बता देते हैं हम सभी दर्शकों को, हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आपकी जो भी राय है इस खबर पर अपनी पूरी राय रखें। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। राम अवतार सिंह कोतवाल बहेड़ी और रामानंद राय सीओ बहेड़ी की ओर से बरेली वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पीलीभीत के बीजेपी जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह और भोजवाल सेवा समिति के अध्यक्ष श्याम बिहारी भोजवाल की ओर से सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे पहले आप लोगों को और मैं अपने ग्राम सभा के सम्मानित जनता को शुभकामना देता हूं, और मैं ये अपने माध्यम से ग्राम सभा को ये संदेश देना चाहता हूं कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं सुरेश यादव। सुरेश जी, जिस तरीके से नगर निगम में इतना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है, क्या कुछ कहना है आपका? मैडम ऐसा है, ये नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है वो जो है आज से नहीं चला रहा है जी। यहाँ नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है वो शुरुआती दौर से शुरू हो जाता है, चाहे वो पार्षद का चुनाव लड़ना हो, चाहे वहाँ जनमत प्रमाण पत्र बनवाना हो या मृत प्रमाण पत्र बनवाना हो या हाउस टैक्स बनवाने का मामला हो, बिना सुविधा शुल्क के बिना कहीं नगर निगम में तो आप पैर रख ही नहीं सकते हैं। अयोध्या में तो एक भ्रष्टाचार का चूंकि एक मामला सामने आया है, मुझे तो मालूम है कि प्रदेश के जो 14 नगर निगम है अगर गहराई और सतर्कता जांच करा ली जाए तो निश्चित रूप से कम एक सैकड़ा अधिकारी और इंजीनियर जेल जाने के लिए उनको कोई रोक ही नहीं सकता है जी। जिस तरीके से होमगार्ड विभाग का घोटाला के न्यूज ने खुलासा किया और के न्यूज के खुलासे के बाद जिस तरीके से कार्रवाई हुई, निश्चित रूप से आपका चैनल सराहनीय है और सराहना का पात्र है जी। उसी तरीके से नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अयोध्या फैजाबाद मामला एक तो छोटा सा मामला है, लखनऊ नगर निगम में
एक छोटे से डिपार्टमेंट में जो आर आर विभाग जिसको कहते हैं, जिसको कूड़ा डिपार्टमेंट कहते हैं, उस कूड़ा डिपार्टमेंट में छोटे छोटे जो है पार्ट्स की खरीदारी ई टेंडर से न करा करके सीधे तौर पे अपने चहेते फर्मों को करा दिया गया। करीब 16 करोड़ का जो है वो घोटाला किया गया है जी। खास बात तो ये है कि माननीय जो महापौर है लखनऊ की संता भाटिया जी, ये लगातार नगर आयुक्त को चिट्ठी लिख रहे हैं, लगातार योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख रहे हैं, लगातार जांच अधिकारी से प्रेशर बनाए हुए हैं, लेकिन पिछले 4 और 6 महीने से वो चिट्ठी और वो जांच आज तक फाइलों में चल रही है, ना जांच पूरी हो पा रही है। और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो उसी मलाईदार विभाग में बैठे हुए हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। और आज की हालत यह है कि नगर निगम जो है वो लखनऊ नगर निगम, मैं राजधानी का लखनऊ निगम, जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, नगर विकास मंत्री रहते हैं, प्रमुख सचिव नगर विकास रहते हैं, इस विभाग में करीब 400 करोड़ की देयता बनी हुई है। पूरे लखनऊ की जो सड़कों का मकरजाल है, यहाँ का घोटाला है, यहाँ की चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे हाउस टैक्स व्यवस्था हो, चाहे प्रचार व्यवस्था हो, मैं किस किस विभाग की व्यवस्था के बारे में बता दूं कि यहाँ घोटालों की एक प्रकार से देखा जाए तो घोटालों की भरमार है। अगर मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करें तो निश्चित रूप से एक नगर निगम को नमूना के तौर पर जांच कराने जी, जी, जी हमारे साथ संगीता भाटे जुड़ी हुई है बीजेपी से, सामने आ जाएगा जी। जी जी ऋचा जी, ऋचा जी आवाज नहीं आ रही जी। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से हमारे पत्रकार हैं और भी हैं जो संगीता भाटे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं नहीं, ये उचित नहीं है इस प्रकार निर्गल बात करना। ये हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो ईमानदारी से काम कर रही है उसको शक के दायरे में खड़ा करने का प्रयास है। हमारी सरकार ने आते ही ई टेंडरिंग का काम शुरू किया था, इसके पहले वाली सरकारों ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की थी। इस मात्र इसलिए नहीं की थी बंदरबांट उन्हें होना है, हमारे यहाँ सब सिस्टम से काम होता है, ई टेंडरिंग होती है और व्यवस्थित रूप से मानक के अनुसार काम दिए जाते हैं। और ये भ्रष्टाचार वाला जो पर्टिकुलर विषय की बात कर रहे हैं, मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, एक विशेष विषय की तो चर्चा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सामान्य रूप से हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हर नगर निगम में, हर सरकारी विभागों में, चाहे पुलिस महकमा हो या कोई भी विभाग हो, उसमें काम कर रही है। और उसमें हमारी आधे से अधिक हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अराजकता और भ्रष्टाचार जैसे संजीदा विषयों पर काम कर रही है। और मुझे गर्व है लगभग 50% उपलब्धियां हमें मिल चुकी हैं, आधा भ्रष्टाचार या अराजकता खत्म हो चुकी है, आगे आने वाले 2.5 वर्षों में वो भी समाप्त हो जाएगा जी। राघवेंद्र जी, बात की थोड़ी कमी है हमारे पास, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, नेशनल पॉलिटिकल एडिटर और बीजेपी नेता राघवेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश यादव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, आपने उनकी राय सुनी, क्या कुछ कहा उन लोगों ने, कॉलर्स की राय सुनी, क्या कुछ कहा उन्होंने, लेकिन अभी भी कोई मामला साफ नहीं हुआ है कि इतना गड़बड़ झाला सामने आया है अयोध्या नगर निगम से। तो इसी के साथ सुबह बोलेगा, मैं इतना ही, नमस्कार।